जय मसीह की। आज की बाइबल स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहला तिमुथियुस 4 अध्याय हम एक साथ उसका ध्यान कर रहे थे। पिछली बार हमने 6 से लेकर के 12 तक के वचन को देखा और आज 13 से लेकर के 16 तक के वचन को हम एक साथ स्टडी करेंगे। तो यीशु मसीह का एक अच्छा सेवक एक व्यक्ति कैसे बन सकता है और कैसे वो उस सेवकाई में खड़े रह सकता है, उन चीजों के बारे में हम 6 से लेकर के वचन में हम नीचे उसको पढ़ रहे हैं। तो 12वां वचन जिसको कि पिछले बार हमने उसका ध्यान किया, वो ऐसा कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। सो तिमुथियुस को पौलुस कह रहे हैं कि देखो, दूसरे लोगों के सामने अगर तुम्हें आदर्श बनना है, एक मॉडल एग्जाम्पल बनना है, तो तुम बोल बोल के लोगों को ये नहीं सिखा सकते हो कि मेरा आदर करो, मेरा सम्मान करो, मैं मसीह का सेवक हूं, परंतु तुम्हारा जिंदगी और तुम्हारा चाल चलन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि दूसरे लोग जो हैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएं, कुछ उनके दिल में ऐसा आ जाए कि इस व्यक्ति को आदर सम्मान करना चाहिए। और आगे फिर से हम ये पढ़ते हैं कि सेवकाई में तुमको क्या कुछ करना है। पिछले बार के बाइबल स्टडी में हमने देखा कि पौलुस ये बातें कह रहे हैं कि कलिसिया में दूसरे लोगों को वचन सिखाने से पहले या सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये बात सिखाने से पहले तुम खुद अपनी जिंदगी का ख्याल रखो। जिस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, उस तरह से आत्मिक जीवन में भी गॉडलीनेस के लिए, पवित्रता में बने रहने के लिए, प्रभु के साथ संबंध में बने रहने के लिए ये सबसे जरूरी बात है कि तुम खुद अपनी जिंदगी की रखवाली करो। और देखिए आगे हम फिर वही चीजें पढ़ रहे हैं कि सेवकाई में भी तुमको कुछ चीजें करते रहना है। आइए हम उन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे, 13 से लेकर, जब तक मैं आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चिंत मत रह, उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए पौलुस ये कहते हैं कि मैं कितनी जल्दी तो तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की इच्छा है कि मैं खुद तुम्हारे पास आऊं, कलीसिया के पास आऊं, तुम्हें वचन सिखाऊं, लेकिन जब तक मैं आऊं तब तक तुमको एक्टिव रहना है, तुमको कुछ करते रहना है सेवकाई में। तो हो सकता है पौलुस के वचन को यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा भी हमें कुछ समझ में आता है कि उस समय इफिसुस की कलीसिया में जो बातें हो रही थी उन कारणों से हो सकता है कि इनका दिल थोड़ा सा दुखी था, थोड़ा डिस्करेज था, एक तरह का निरुत्साह उसके अंदर में था। हो सकता है कि जो झूठी शिक्षा देने वाले लोग थे वो इतना कुछ वहाँ पर कुछ तकलीफ उन्होंने कलीसिया के संबंध में ऐसा खड़ा कर दिया कि तिमुथियुस वहां शायद कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे थे। और हो सकता है कि क्योंकि वो युवक थे, ही वॉज अ यूथ, तो उनके विरोध में जो कुछ भी बातें वहां पर हुई उस कारण से हो सकता है कि वो थोड़ा सा जो है सेवकाई में पीछे चले गए या फिर चुप हो गए। सेवकाई में और मिनिस्ट्री की जो दूसरी बातें हैं उसमें एक तरह से मानो वो अपना
मुंह बंद कर लिए या थोड़ा सा विड्रॉ कर लिए। तो हो सकता है ऐसे ही एक संदर्भ में फिर से जो है पौलुस उसको एनकरेजमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर में उत्साह डाल रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि नहीं, तुम प्रभु के सेवक हो, अपने खुद का ध्यान रखो और सेवकाई में जो कुछ भी तुमको सौंपा गया है वो तुमको विश्वास योग्यता के साथ करते ही रहना है। सबसे पहले क्या कहते हैं, जब तक मैं आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। परमेश्वर के वचन के संबंध में तीन बातों को वहां पर कहा गया है। आजकल हम देखते हैं कि कलीसियाओं में ये प्रैक्टिस कम है, लेकिन उन दिनों में ऐसा होता था कि सबके हाथ में बाइबल नहीं रहता था। तो जब लोग कलीसिया में एक साथ मिल करके आते थे तब जाकर के परमेश्वर के वचन को पब्लिकली जो है सबके सामने उसको पढ़ा जाता था, और वही वो अवसर था जब उनको परमेश्वर का वचन सुनने में मिलता था। तो तुम ऐसे ही करते रहना। और भी कुछ बातें कह रहे हैं, उपदेश देना, एक्सोटेशन, ये परमेश्वर के एक सेवक या दास का ये कर्तव्य है कि जब कलीसिया में लोग एक साथ मिल करके आते हैं तो वो उसको क्या करना है कि परमेश्वर के वचन में से उपदेश देना है, वो लोगों को समझाना है कि उनका प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में किस तरह से ये वचन जो है इसका उपयोग उनको करना है, उनके दिल में जो है कुछ करेज डालना है, ढांढस बंधाना है उनको और परमेश्वर के रास्ते में उनको आगे लेकर के जाना है। तो उपदेश दो और सिखाने में लौलीन रहो, टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की शिक्षा, उसमें से उपदेश दो, केवल वो ही नहीं परंतु शिक्षा जो डॉक्ट्रिन है, जो सीख है परमेश्वर के वचन में, उसको बिल्कुल क्लियरली जो है लोगों के सामने तुमको पहुंचाना है। तब जाकर के लोगों के अंदर में वो समझ आएगा, वो अपने चारों तरफ जिन चीजों को देखते हैं उसको वो समझ पाएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है, परमेश्वर का रास्ता क्या है, उनका विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए। तो वो तुमको करते रहना है, पहला बात तो उन्होंने ये बता दिया। फिर वो याद दिलाते हैं, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इंग्लिश में क्लियरली कहता है, डू नॉट नेग्लेक्ट द स्पिरिचुअल गिफ्ट विद इन यू। अब वो उसको ये भी याद दिला रहे हैं कि देखो कुछ आत्मिक वरदान तुम्हारे अंदर में है, उसको याद दिला रहे हैं, प्रेज गॉड। और कहते हैं कि वो तुम्हारे अंदर कैसे आया, जब तुम्हें सेवकाई में तुमको नियुक्त किया गया और प्राचीन लोग तुम्हारे ऊपर हाथ रख के जब उनका ऑर्डिनेशन हुआ, जब उनको सेवकाई के लिए प्रार्थना करके सेपरेट किया गया, तब वैसे हाथ रख के प्रार्थना करते समय उसके अंदर में कुछ आत्मिक वरदान परमेश्वर ने दे दिया, प्रेज गॉड। तो हम परमेश्वर के एक रास्ते को भी यहाँ देखते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति की बुलाहट, सेवकाई में बुलाहट जो है वो परमेश्वर उसके लिए चुनता है, परमेश्वर उसको नियुक्त करता है, लेकिन परमेश्वर का रास्ता ये भी है कि उसको किस तरह से उस मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया जाए या ऑर्डेन किया जाए। जब परमेश्वर प्राचीनों के दिल में, प्रेरितों के मन में ये बात भविष्यवाणी के द्वारा उनको दिखाते हैं कि फलाना व्यक्ति इस सेवकाई के लिए बुलाया गया है, तो वो लोग जो है हाथ रखे, by laying on of hands, जब इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं कलीसिया के अंदर में, तब जा करके जो है वो व्यक्ति उस सेवकाई के लिए ठहराया जाता है। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि देखिए, तुम वरदान जो तुझ में है उसमें तुम निश्चिंत मत रहना। इंग्लिश में और क्लियर है, डू नॉट नेग्लेक्ट, ऐसा कहता है। तो देखिए, एक चांस है ना, कि हमारे अंदर जो आत्मिक वरदान है हम उसको तुच्छ मान भी सकते हैं,
हम उसके बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं। देखिए इब्रानियों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में भी कुछ ऐसा ही बात हमारे जो है सेल्वेशन के बारे में वहां पर प्रेरित ने कहा है कि डू नॉट नेग्लेक्ट। देखिए दो शब्द है, एक है रिजेक्ट और एक है नेग्लेक्ट। रिजेक्ट माने किसी चीज को पूरी तरह से जो है इनकार कर देना या तिरस्कार कर देना। उसकी नीचे वाली डिग्री में आता है नेग्लेक्ट, जिसका ये मतलब है कि आप किसी चीज को जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या उसको थोड़ा तुच्छ समझ रहे हैं, या उसको आप थोड़ा सा हटा के रख दिए हैं और आप उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे, आप निश्चिंत बैठ गए हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ये समझते हैं कि अगर आपने परमेश्वर की बातों को नेग्लेक्ट भी कर दिया, उसके बारे में आप एक्टिवली आगे नहीं जाते हैं, आप उसको उसके बारे में निश्चिंत हो जाते हैं, तब भी वो आपकी जिंदगी में काम करना बंद कर देगा। इब्रानियों का पुस्तक दूसरा अध्याय उसमें ऐसा कहता है, तो तीसरा वचन ऐसा कहता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा वचन, तो यहां पर ऐसा कहता है कि हाउ शैल वी एस्केप इफ वी नेग्लेक्ट सो ग्रेट ए सेल्वेशन, कि इतना बड़ा उद्धार जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, अगर तुम उसको थोड़ा सा तुच्छ मानोगे, साइड में हटा के रख दोगे, एक्टिवली तुम उसके पीछे खोज करते हुए नहीं जाओगे, तब भी परमेश्वर की शिक्षा तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है। कुछ ऐसी ही बातों को जो है प्रेरित ने यहाँ कह दिया कि देखो तुम्हारे अंदर में जो आत्मिक वरदान प्रभु ने दिया है वचन को सिखाने का, वचन में से उपदेश देने का, और जो है पैस्टोरल मिनिस्ट्री का जो गिफ्ट परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया, जो डिसर्नमेंट का गिफ्टिंग तुमको दे दिया, उसमें तुम निश्चिंत मत रहो। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, वो मसीह ने जो सिखाया कि द पैराबल ऑफ टैलेंट्स, वहां पर क्या हो गया, मालिक ने अपनी संपत्ति में से अपने दास लोगों को कुछ कुछ बातें जो है तोड़े, उन लोगों में से एक एक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जिसने एक पाया था उसने क्या किया, वो सोचा कि अब मैं इसको लेकर के जाऊंगा, कहीं मेरा प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने ले जा करके जो है उसको छुपा करके रख दिया। लेकिन जब उसका मालिक वापस आया तो हमें पता है कि उसको क्या सुनने में मिला, कि तुमने क्यों इससे व्यापार नहीं किया, मैंने तुम्हारे हाथों में ये इसलिए सौंपा था कि तुम इसका उपयोग करोगे और इसको तुम जो है इसमें बढ़ोतरी लेकर के आओगे। उसी तरह से है, अगर प्रभु हमारी जिंदगी में कोई आत्मिक वरदान देते हैं तो वो जो है हमको उपयोग में लेकर के आना है, हम उसको छुपा करके नहीं रख सकते हैं। परमेश्वर जो है वो हमसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। आत्मिक वरदान हमारे अंदर में इसीलिए परमेश्वर देते हैं कि हम मिनिस्ट्री करें, मिनिस्ट्री में परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जो है उसको यूज में लेकर के आए। इसीलिए देखो भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुम्हें कुछ मिला था। हालेलुया। एक और बात, हमें कभी ये बात को तुच्छ नहीं समझना है कि प्राचीन लोग, परमेश्वर के दास लोग जो हैं, जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हाथ लगा करके प्रार्थना करना, द लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, वो जो है परमेश्वर के वचन का एक एक रास्ता है, एक प्रमाण है, जिसमें से बहुत सारे जो हैं स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शंस हमारी जिंदगी में होते हैं। हालेलुया। 15वां वचन कहता है, उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। मेडिटेशन के बारे में कहता है यहां, टेक पेन्स विद दीज थिंग्स एंड बी एब्जॉर्ब्ड इन देम सो दैट योर प्रोग्रेस विल बी एविडेंट टू ऑल। हालेलुया।
तुम्हारे हाथों में जो सौंपा गया है, जो उपदेश तुमने पाया है, जो तुमने मुझसे सीखा है, जो आत्मिक वरदान तुम्हारे अंदर में है, उसको तुच्छ मत मानो। परंतु उसका ऑपोजिट क्या है कि उन बातों को तुम सोचते रहो। जैसा हम पहला भजन संहिता में पढ़ते हैं, मेडिटेटिंग ऑन द लॉ ऑफ गॉड डे एंड नाइट। आज जो है परमेश्वर के लोगों के बीच में और सेवकों के बीच में ये बात बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या कलीसिया में जब हम आते हैं तो कुछ बातों को एक साथ वचन में से सोचते हैं, इसके बाद हम भूल जाते हैं और ढेर सारी चिंताएं जो है हमारे मन के अंदर में घुस करके चली आती है। लेकिन कुछ तो इस बात में है, मेडिटेशन में है, कि देखिए तुम उस बात को सोचते रहो तुम्हारे मन में, दिल दिमाग में, परमेश्वर के वचन में से जो है तुम मेडिटेट करते रहो। इसका एक बहुत ही सुंदर चित्र जो है हम दूसरे कुरिन्थियों के पुस्तक 10वें अध्याय में देखते हैं, 4 और 5वें वचन में। आप जो है खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा वचन है ये, 2 Corinthians chapter 10 उसका 4 और 5। यहां पर ऐसा कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को, अब देखिए यहां आत्मिक युद्ध के बारे में बोलता है, परंतु सीधा सीधा जो है हमारे सोच विचार और हमारे थॉट्स और हमारी कल्पनाओं पर सीधे जो है वो चले आते हैं। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। मेडिटेशन का एक रिजल्ट जो है उसको हम यहां पर देखते हैं। प्रेज गॉड। देखिए ये सब कब होता है, हम अपनी कल्पनाओं को, अपनी चिंताओं का खंडन करें, हम भावनाओं को कैद करें और मसीह के सामने उसको लेकर के आए। कब होता है ये सब जो है जब हम परमेश्वर के वचन का मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी समय में ये सारा प्रोसेस जो है हमारी जिंदगी में होता है। हालेलुया। और वो हमारे दिल को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जिंदगी को जो है वो भर देता है। अगर इस तरह से तुम परमेश्वर की चीजों में पूरी तरह से लग जाओ तो प्रेज गॉड, तुम्हारी उन्नति सब पर प्रकट होगी। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए प्रेरित करते हैं, कहते हैं, लेट योर प्रोग्रेस बी एविडेंट टू ऑल। तुम्हारी जिंदगी को देखकर, तुम्हारे आत्मिक जीवन को देखकर कोई बोले तो कि अरे तुम तो पिछले साल जैसे नहीं रहे, कुछ तो बढ़ोतरी है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे चाल चलन में, तुम्हारे सोच में। जब तुम गवाही देते हो, जब वचन सिखाते हो, तो इस साल तो कुछ अलग है, तुम पिछले महीने जैसे भी नहीं, इस महीने में तो कुछ तो इंक्रीज हो गया है तुम्हारी जिंदगी में। प्रेज गॉड। और ये हमारी जिंदगी का वो पर्सनल डिसिप्लिन है, परमेश्वर में जब हम पूरी तरह से लगे रहते हैं तो वो जो है बाहर दिखाई पड़ने लगता है। प्रेज गॉड। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। देखिए आत्मिक जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ भी जो है ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला। एक शैतान है, एक शत्रु है हमारा, देयर इज एन एनिमी, जो कि हर समय ये चीज ट्राई करता है कि इस व्यक्ति को कैसे गिराया जाए। इसीलिए जागते रहो, चौकसी में रहो, अपने आप का ध्यान दो, अपने उपदेश का ध्यान दो। जब तुम चर्च में सिखाते हो, दूसरे लोगों को उपदेश देते हो, तो ये बहुत सीरियसली लो। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम्हारे मन में आ गया और तुम उसको बोलते जा रहे हो। क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर सही बात है? ये लोगों की जिंदगी को कहां लेकर के जाएगी? ये सोचते हुए तुमको जो है उपदेश देना है। 16वां वचन, इन बातों पर स्थिर रह, पे क्लोज अटेंशन टू योरसेल्फ एंड टू योर टीचिंग, परसीवियर इन दीज थिंग्स। इन बातों पर स्थिर रह।
परमेश्वर के दास लोगों की जिंदगी में कई बार ये बात हो जाता है कि उनको डिस्करेजमेंट हो जाता है, लोग दुखी हो जाते हैं मिनिस्ट्री में। आप कोई भी और काम करने के लिए जाइए, कम से कम जो है आप एक महीना काम कीजिए तो आपको महीने के अंत में जो है सैलरी मिल जाता है। अब लोग आपके बारे में कुछ भी बोले तो भी आपको चिंता नहीं रहता। परंतु कई बार जो है सेवकाई में हम पैसा देख करके नहीं आते, सैलरी देख करके नहीं आते, हमें सपोर्ट करने वाला हो सकता है कोई भी ना हो, तो हम दिल से लोगों के लिए अच्छा करते हैं, परंतु लोग जो है इसके बावजूद हमारे बारे में हो सकता है बुरा कहें। कई बार जिन लोगों के लिए हम रात दिन हम प्रयत्न करते हैं, वचन सिखाते हैं, उनकी जिंदगी में देखो तो कोई फल नहीं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं प्रभु में, कोई जैसे मान लीजिए सक्सेस नहीं है, आपकी कलीसिया में कोई आ नहीं रहा है, तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं जिसको देख करके लोग जो है मिनिस्ट्री में डिस्करेज्ड हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। बहुत इच्छा के साथ वो मिनिस्ट्री में निकलते तो हैं, पर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों और सालों के बाद जब संकट उनकी जिंदगी में आ जाता है, डिस्करेजमेंट आ जाता है, तो वो छोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है परसिवियर, तुम स्थिर रहो, तुम लगे रहो मिनिस्ट्री में, तुमको पीछे नहीं जाना है। एक बार तुमने उसमें हाथ लगा लिया है तो तुम बने रहो, प्रेज गॉड, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा, प्रेज द लॉर्ड। तो तुमको परसीवियर करना है, परमेश्वर जो है तुमको इसमें रिवॉर्डिंग करेगा, प्रेज द लॉर्ड। तुम अपनी भी और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनोगे, परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का उद्धार और ब्लेसिंग उनकी जिंदगी में भी दिखने लगेगा और तुम्हारी जिंदगी में भी वो दिखने लगेगा, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी बातों को बताते हुए प्रेरित जो है तिमोथी उसको एनकरेजमेंट कर रहे हैं कि अपने आप का ख्याल रखो, अपने उपदेश का ख्याल रखो, अपने मिनिस्ट्री का ख्याल रखो, परमेश्वर जरूर जो है तुमको रिवॉर्ड करेगा, परमेश्वर तुमको आगे ले करके जाएगा। हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के आगे उनकी आंखों के सामने हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को हम आगे लेकर के जाएं, तो जरूर परमेश्वर का उद्धार हम अपने लिए पाएंगे और हम जहां मिनिस्ट्री करते हैं उन सारे फील्ड में जो है हम परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। हालेलुया। आप सबको प्रभु आशीषित करें। जय मसीह की।